ये मैरियट के आगे मैं पहुंची हूँ, मुझे जाना है पीटीवी। अब ये सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, नाउ आई वंडर व्हाट्स हैपनिंग। डाइवर्जन है कहा गया है मुझे कि आप मार्गेला रोड की तरफ से आ जाए, तो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स मार्गेला रोड। और कुछ नहीं तो इस्लामाबाद खूबसूरत बहुत है भाई, आई मीन वेरी वेल प्लान्ड। वैसे तो काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है उसको बर्बाद करने की, इसकी ग्रीनरी वगैरह, मगर फिर भी स्टिल आई थिंक जैसे लोगों के लिए जो कराची आइट्स हैं, इतना सब्ज़ा जो है ना, ये अल्लाह की बस बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पाकिस्तान है ही इतना खूबसूरत। और डाइवर्जन्स आ गए और काफ़ी लंबा रास्ता कर दिया है, आगे भी सारे कंटेनर्स हैं। पुलिस की काफ़ी भारी नफरी है, अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के हालात पे, अल्लाह हिदायत दे हम सबको। पता नहीं हम कर क्या रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ। जनाब आज मैं इनवाइटेड हूँ पीटीवी में एक प्रोग्राम के लिए बतौर गेस्ट। मैं पहुँच गई हूँ पीटीवी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, दैट इज़ नेक्स्ट टू मैरियट। एंड फॉर यू हु डिड नॉट हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ कि किस तरह लगता है अंदर से पीटीवी, दिस लेट मी जस्ट शो यू स्लाइटली राउंड। सो दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक्स लाइक। ये यूजुअली इस तरह होता नहीं था, ये प्रॉब्ली मालिक के ज़माने में जब वो अपॉइंटेड है यहाँ पे चेयरमैन या एमडी, तो ही गॉट ऑल दीज चेंजेस डन एट पीटीवी। इट लुक्स फैंसियर नाउ, आई एम हेडिंग अपस्टेयर्स। ये भी अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेयर केस है। यहाँ पे ना हर दौर में तस्वीरें बदल जाती हैं। अब जैसे ये पीटीआई का दौर है, तो यू कैन सी आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी एंड सो ऑन। जब पीपल्स पार्टी का दौर होता है, जाहिर है उनकी तस्वीरें होती हैं, और जब पीएमएलएन का था तब उनकी तस्वीरें होती थी। मुझे लगता है इन्होंने स्टॉक में रखी हुई होती हैं सारी तस्वीरें, कि बस जैसे जैसे बदलती जाएगी गवर्नमेंट, वैसे वैसे हम लोग तस्वीरें भी चेंज करते जाएंगे। नीचे स्टूडियोज़ होते थे यहाँ पे, ये भी इन्होंने अभी अभी थोड़ी सी रेनोवेशन वगैरह की है। नाउ लेट मी फाइंड आउट कि मेरा प्रोग्राम कौन से स्टूडियो में है। इस रोड पे मैं आपको सुनाऊं कि जब बहुत पीक पे था ना कोरोना, तो मैं यहाँ से एक दफ़ा गुजर रही थी, तो बिल्कुल सुनसान और ज़माने में वो हालात है इस्लामाबाद के, कि सारे बंदर वंदर जो है, जितने वाइल्ड लाइफ थी ना, वो आपको सड़कों पे नज़र आती थी। तो एन इस रोड पे मैं सीधा ड्राइव करके जा रही थी, और सामने इतना बड़ा बोर और यानी सुअर खंजीर पिग जो भी कहें आप उसको, वो नज़र आ गया। अच्छा मैं तो वहीं जम के ना रह गई, और वो मुझे देख के घबराए, उसने अल्लाह जाने उसने भी नहीं देखा होगा, तो मैं इतना डर लगा। और मैं कहा यार ये तो असल जिंदगी में यानी रियल लाइफ में तो ये बहुत बड़ा होता है। मैंने तो बहुत मंगला में एक जमाने में छोटे छोटे से देखे थे, एक मदर और अपने छोटे छोटे पिगलेट्स लेके जा रही थी, मगर वो बड़ा हॉरिफाइंग था। मगर वो जमाने में ना मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ हमारी जो है ना, वो बहुत तंग भी हुई, जाहिर उनको खाना नहीं मिलता था, मगर सुकून में भी आ गई थी ना, कि उनको इंसान नहीं रहे थे उनको तंग करने वाले।